मसला यह है जी, इन्होंने साढ़े तो पहला ऐड पाई थी जी टीवी पर कि 4,80,000 रुपये असी कनेडा तो आस्ट्रेलिया का वीज़ा जिथे का भी तुम लवाना चाहोगे असी लवा के देवे। शमशेर नाम का बंदा सीगा, उसकी वीडियो बना रहे थे, उन्हें औरत नाल हाथ पाई करने की कोशिश की, तो उस टाइम पुलिस का मुलाजम भी नाल सीगा सिविल ड्रेस के। साढ़े 3 लाख रुपये इन्होंने ले लिया। इंस्टाग्राम से इन्हों की आप देखी सर स्टोरी, उन्हों का पैकेज सीगा 4.5 लाख से तुम्हें कनेडा भेजेंगे सर, कि उन्होंने डॉक्यूमेंट लै लिए साढ़े को, फेक डॉक्यूमेंट सूँ दिते सर, ऑफर लैटर कॉलेज का फेक दिता। परसों जलंधर तो एक आई सी कुड़ी आई सी सर, पूरे 1 घंटा 2 घंटा रोक के गई है, उन्होंने बायोमैट्रिक तो बिना ही रिफ्यूजल आ गई। मतलब हरेक लॉलीपॉप दिता जा रहा भी तुम्हें भेज देंगे, फेक डॉक्यूमेंट तुम गल की, थोड़ा इधर आ जाओ, फेक डॉक्यूमेंट की गल की, किस तरह के फेक डॉक्यूमेंट सर? ऑफर लैटर फेक दे देंगे, बायोमैट्रिक फेक करा देंगे, कुछ भी फेक ला के अगर फाइल ला देंगे जान। उन्होंने कहा जी तुम आप जाओ, असं तो केस हैंडल करा, पर कोई हैंडल नहीं किया। 5 मिनट बाद इतने ताला ला दिता गया, सारा स्टाफ इन्हों के उपर बैठा जी। मतलब पुलिस इन्होंने नाल रलदी है तुहाडे नाल? असं कहना चाहते जी पुलिस नाल रली हुई है। साढ़े को लाइव वीडियो पई है जिदे शमशेर ने औरत हाथ चकन की कोशिश की। लेडीज है अपने अधिकार च रह, तू साढ़े प्रश्न नहीं तू बच सकती, साढ़े को भी अधिकार ने कुछ। और फिर वो ढिली पी थोड़ी जी को कहनी सी मेरे तो उपर तक पहुंचा, जानी कि भी मेरी सरकार तक पहुंचा, चन्नी सरकार तक पहुंचा मेरी, जानी कि भी जी पिछली सरकार से ना मिली हुई सी सरकार हूँ चेंज होगी। अज कितने गए हैं वो? पिछों की गेट तोड़ के पिछों की भज गए सर, सानू यह नहीं पता हों पिछे केड़ा रस्ता इन्हों का, पिछों की पिछों निकल जाते हैं रोज़। जे मैं रिकमेंड करके भेजे ने जी जी, तो सानू वैसे इंस्टाग्राम तो ऐड देखी सी इन्हों की, भी चलो भी सोचा भी पैसे थोड़े ने घरों भी नहीं है कि ठीक भी पैसे ला लेंगे ने, तो चलो अभी सलाह की 4-5 थावां से पता भी किया, कहते भी इन्ने को पैसे लग जाते हैं कई ने, हूँ अं फोन करने कहते थोड़ी फाइल अंडर प्रोसैस आ रही है जी। हाँ जी, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों स्वागत, मैं हाँ अनुराग शर्मा। दोस्तों अक्सर पंजाब दे विचों नौजवान बाहर जाके अपना सुनहरी भविख बनाने की तत्पर रहा, तो उस दे लई माता पिता जिथे पढ़ा लिखा के उसनू वड्डा करदे आ उत्थे ही अपनी पूंजी जिहड़ी कि इकट्ठी कीती हुंदी है तिल तिल जोड़िया हुंदा उसनू खर्च करके बच्चे का सुनहरी भविख बनाने लई उसनू बाहर भेजन की तैयारी करते हैं, यह बाहर भेजन का सफ़र करवाते हैं इमीग्रेसन एजेंट। सो बहुत सारे इमीग्रेसन एजेंट हैं जो कि भोले भाले नौजवानों उन्हां दे माता पिता ठग के उन्हां दी खून पसीने की मेहनत की कमाई की जिहड़ी है प्रॉपर्टी है या पैसा है उसनू हड़प लेंदे आ। सो पटियाला दे विच भी एक इमीग्रेसन कंपनी है उड़ान के नाम नाल, उसका भी यही काम धंधा बनया होया। इत्थे बहुत सारे नौजवान इस वक्त खड़े है जो कि पीड़ित हैं, जिन्हों का कहना है कि साढ़े नाल धोखा हो रहा है। हाँ जी, की नाम है तुहाडा? इस पास आ जाओ, की नाम है? मेरा नाम जैसी कंबोज है जी। कंबोज साहब की मसला है? मसला यह है जी, इन्होंने साढ़े तो पहला ऐड पाई थी जी टीवी पर कि 4,80,000 रुपये असी कनेडा तो आस्ट्रेलिया का वीज़ा जिथे का भी तुम लवाना चाहोगे असी लवा के देवे। तो फिर असी इन्हों के ऑफिस विजिट किया, इन्होंने सानू टाइम भी दिता वीज़े का जी, तो साढ़े को पेमेंट लीती सर, तो उस तो बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिता सर सानू। इन्हों के ऑफिस आईए तो ऑफिस अंदरों बंद कर लेंगे ने, असी परसों भी इन्हों के ऑफिस आए, इन्हों का एक बंदा सीगा असी फड़ लिया सीगा, वो शमशेर नाम का बंदा सीगा, उसकी वीडियो बना रहे थे, उन्हें औरत नाल हाथ पाई करने की कोशिश की, तो उस टाइम पुलिस का मुलाजम भी नाल सीगा सिविल ड्रेस के, उन्होंने भी रोकने की कोई कोशिश नहीं की सर, तो बाकी दे स्टाफ ने अंदर कुंडी ला लीती। असी शाम तक बैठे रहे, कोई इधर आया नहीं है, कोई किसी ने कुछ नहीं किया सर, सानू सिर्फ टाइम पाया, तो शाम नू लेडी स्टाफ आया, लेडी कॉन्स्टेबल आई हैं, उन्होंने सारे नू थले तार दिया, तो उस तो 5 मिनट के बाद इन्हों का दफ्तर बंद हो गया सर। सानू यह नहीं पता बंदे कितने तो भजे, लेकिन 5 मिनट बाद दफ्तर लॉक हो गया सीगा इन्हों का। मतलब ये नौजवान जिन्होंने सुनहरी भविख के सपने देखे है, घरदियां दी खून पसीने की कमाई लगी है, ये बाहर जान का सुपना लई बैठे सी, सो इन्हां नाल धोखा हो जाता, ये बार बार इस दफ्तर के चक्कर कट रहे हैं, पुलिस आती है पर हल नहीं निकलता, गेट बंद हो जाते हैं। तुहाडा की नाम है जी? मेरा नाम साहिल है जी। हाँ जी, नाल ही है जी साढ़े सारे। हाँ जी साढ़े, हाँ एक असं एक ही फैमिली चो जी। अलग अलग वीजे हैं तुहाडे सारयां दे? साडी दो भैणां दे वीजे लगे हुए है और दोई फाइल लगी है। 3.5 लाख रुपये इन्होंने ले लिया। इंस्टाग्राम से इन्हों की आप देखी सी सर स्टोरी, उन्होंने पैकेज सीगा 4.5 लाख से तुम्हें कनेडा भेजेंगे सर, कि उन्होंने डॉक्यूमेंट लै लिए साढ़े को, फेक डॉक्यूमेंट सूँ दिते सर, ऑफर लैटर कॉलेज का फेक दिता। परसों जलंधर तो एक आई सी कुड़ी आई सी सर, उरे 1 घंटा 2 घंटा रोक के गई है, उन्होंने बायोमैट्रिक तो बिना ही रिफ्यूजल आ गई, तो उन्होंने सानू कहा कि एक होर आए थे अंकल, उन्होंने कहा
कि विदाउट आईलेट सू बहर भेजेंगे। मतलब हरेक लॉलीपॉप दिता जा रहा भी तुम्हें भेज देंगे, फेक डॉकूमेंट की गल की, थोड़ा इधर आ जाओ, फेक डॉकूमेंट की गल की, किस तरह के फेक डॉकूमेंट? सर ऑफर लैटर फेक दे देंगे, बायोमैट्रिक फेक करा देंगे, कुछ भी फेक ला के अगर फाइल ला देंगे जान के, फिर पैसे लैके फिर कह देंगे तो रिफ्यूजल आई आ। इस बाबत तुम प्रशासन किसी पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी गल की वे इतने कंप्लेन हुई है, क्राइम ब्रांच हुई है, एस एस पी साहब न गल हुई है, साड़ी एस पी ऑफिस भी अरबन स्टेट भी उन्होंने दसिया सर सू 1600 कंप्लेटा दर्ज ने इन्हों। अज तुम कह रहे हो कि साड़ी सीएम भगवंत मान नाल भी गल हुई है, किस तरह की गल हुई है, की गलबात? सर उन्होंने उन्होंने सीए नाल गल हुई है, वो कहते कि जे अज शाम तक कुछ नहीं होंगे फिर सर आपे उरे आऊंगे तो वह विजिट करूंगे तो आपे आके मसला हल करूंगे सारा। सो तुम देखो नौजवान अके हुए ने, इन दोहां भरावां दीआं दो भैणां ने जिन्हां दे नां दे उत्ते ठगी की गई है, उन्होंने बाहर भेजन के नां दे उत्ते। अज हुण तुसीं कह रहे हो कि साडी सारे डिपार्टमेंटां दे विच जिहड़ी दरखास्त है कंप्लेंट्स ने, किन्ने दिनां चक्कर कट रहे हो? सानूं महीना हो गया जी उरे, रोज़ राजपुरे तो आते ही कहें असं हूँ करवावे हूँ करवावे, सू उपरों प्रैशर है फलाना डिमकना करके साथ गल् टाल लें जी, पर जो असं इन्हें ऑफिस आके बहने तो पुलिस मुलाजम आगे सू उतार देंगे थले। पुलिस तुम्हें उतार देंदी है या इन्हों कुछ कहती है? परसों फैमिली मैंबर साढ़े उतारे गए जी, उपर बैठे से जिद करके बैठे से, मेरी माता जी उपर बैठे से जिद करके, मैं तो इतों डॉकूमेंट लैके ही उतरना, पर पुलिस मुलाजम शाम को आए जी, उन्होंने कहा जी तुम आप जाओ असं तुहाडा केस हैंडल करांगे, पर कोई हैंडल नहीं किया। 5 मिनट बाद इतने ताला ला दिता गया, सारा स्टाफ इन्हों उपर बैठा सी जी, मतलब पुलिस इन्हों दे नाल रलदी है तुहाडे नाल? नहीं, असं कहना चाहते जी पुलिस नाल रली हुई है, सारे नहीं रले हुए, कुछ मुलाजम है इन्हों दे जिहड़ा नाल सिविल ड्रैसां दे विच आ रहे ने जी। अच्छा तुहाडा कौन है जिन्हों बाहर भेजन दे नाल ते तुहाडे तों पैसे लिते गए? मेरा बेटा सी जसप्रीत सिंह। अच्छा हाँ, तो सू 6 महीने हो गए, साडा कुछ भी नहीं बनया, तो ना बायोमैट्रिक्स ना कि कोई अपनी कोई मेडिकल वगैरह। 1,66,000 रुपये सब तो लिया गया जी। अच्छा हाँ जी, की कहा गया तुम्हें जो 1,66,000 लिता, कि डॉकूमेंट्स लिते गए? मतलब सर्टिफिकेट वगैरह से जो मुंडे के, हाँ उदो कहते जी बस पर फाइल 1% भी नहीं लगी है सा। 6 महीने तो यह चक्कर कट रहे हैं, 1 महीने तो यह चक्कर कट रहे हैं, इन्हों का कहना कि 16,000 कह रहे हो? 1600 दरखास्त इस कंपनी के नाम दित्तियां गईयां लोगों वालों वख वख थावां दे उत्ते, पंजवां ऑफिस है, मतलब जिथे भी ऑफिस खोलते हैं उत्थे ही रौला पै जांदा। तुसीं भी इन्हां दे नाल आए हो जी? तुसीं नाल आए हो। सो इन्ने सारे नौजवान इत्थे इकट्ठे होए है नेक्स्ट दे नाम नाल, जिन्हां दी गड्डी दा नंबर है साडे कोल PB11CS7222 स्विफ्ट गड्डी आई है, बंदा भी रोकिया सी गोपी शर्मा उहदा नाम है, ओनू रोकिया भी सी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਿਆ, ਤਾਂ ਗੋਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਡਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ
बाकी जो भी लोगों की इन्होंने पहला कोई साल पहला कि 6 महीने पहला कोई फाइलों वगैरह लाइया सगियाँ वे वीज़े वगैरह नहीं आए वो संबंध में ही लोग इतने आए थे तो हूँ अगे भी मतलब कि जो दरखास्त मेरे को वालों जो लोग अज आए हैं इन वालों दरखास्त मैक्सीम वालों मेरे को इतने नहीं है वो हूँ मैं इन्होंने दरखास्त लै रहा हाँ तो दरखास्तों के उत्ते जो भी बनती कार्रवाई होगी वो भी असं करा पहला फरदर अभी पहला की भी हुई कार्रवाई इन्होंने पर उसे लोगों का कहना है कि पुलिस भी कई बार नाल रली नजर आती है वो पहुंचते 5 बजे तो पुलिस वाले बच्चे नीचे उतार देना पेरेंट्स नीचे उतार देंगे 5 मिनट बाद ऑफिस बंद हो जाता है नहीं वो हुण एलीगेशन ने जी मैं तो थोड़ा इन्नी दस सकता भी पहला जे तो असं परचा ना दिता हो आप ये गल कह सकते हैं तो बाकी जो इन्हें दरखास्त ने साडे कोले अज हुण मैं दरखास्त इन्हां तों लै रहा इन्हां नूं मैं ही उत्थे जाके बुलाया भी दरखास्त दे दो सानूं तो उहदे ते असीं कार्रवाई कर देंगे बाकी पेरेंट्स ने तुहानूं वो तुहानूं ज़्यादा दस सकते हैं पुलिस बारे या साडे वास्ते भी साडा की रोल हैगा हाँ जी सो मसला थाने तक पहुँच चुका है तो पेरेंट्स इत्थे पहुँचे हुए हैं वड्डी गिणती दे विच साडे नाल ने गलबात कर लेंदे आ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਤੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਐਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ 1,66,000 ਰੁਪਿਆ 1,00,000 ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੈ 1,66,000 ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਲਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 100% ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ तो मैं यही देख के एक पैकेज सेगा 4,80,000 वाला सारे स्टूडेंट्स यही देख के इन्होंने वीज़ा इन्हों को असी अप्लाई किया तो नवंबर लास्ट के असी फाइल अप्लाई की तो कह रहे थे कि 45 डेज़ के सारा प्रोसैस का पता लग जाएगा भी वीज़ा आता नहीं आता तो 45 डेज़ तो भी निकल गए हैं वाधू दिन हो गए हैं तो कोई प्रोसैस नहीं देंगे ये लारे लाते हैं जिन्हें मर्जी इन्हों के गेड़े मार लो इतने ऑफिस बंद ही मिलता हूँ कितने पैसे है तुहाडे ते कितना समा हो गया 1,77,000 रुपया भराया हुआ मैं तो 5 महीने हो चुके हैं मिले नहीं पैसे नहीं पैसे भी नहीं मिले कुछ नहीं मिले जी सो तुहाडा भी की मसला जी तुहाडा की नाम है कित्थों आए हो मैं गुरतेज सिंह बोलता जी चमकौर साहब तो आया जी मैं अच्छा की मसला है मसला जी है जी आईलैट्स विदआउटलैट्स इन्हें कहा सीगा 4,80,000 का पैकेज है तो कहेंगे भी 45 दिन के असं वीज़ा लगा के देवे तो इन्हों का कोई ना रिवर्ट है ना कुछ असं जब भी जाते इन्हों को पूछण जी बी फोन करते हैं तो भी कहते हैं भाई हाले फाइल अंडर प्रोसैस चल रही है तो इन्हें समा जी मैनू जी मैं जुलाई तो आ रहा जी मैं साल हो जाना जी हाँ जी सो इस बाबत तुम थाने पहुंचे हो एस एस पी ने दरखास्त दी है इस तो अलावा होर भी कितने कार्रवाई पवा रहे हो हाँ जी इतने मैडम इतने भाजी ने उन्हें दी दरखास्त सी आई स्टाफ से क्राइम ब्रांच से इन्होंने इतने आए हैं अज मतलब एक एड इश्तहार दिता जाता है जिस दसया जाता है कि 4,80,000 रुपया दे के बिना अलर्ट्स किए तुम कैनेडा जा सकते हो बाहर पढ़ सकते हो तो नौजवान बाहर जाने लिए काले ने वो फटाफट पहुँच जाते हैं अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई इन्हें सबुरद कर देंगे उन्होंने कहना है कि मुड़ के ना तो गल होंगी ना कागज़ होंगे है तो ना ही कोई फाइल अगे प्रोसैस होंगी है जेकर कोई फाइल का बद रौला पाता तो उन्होंने कहा जाता है कि रिफ्यूज़ल आ गई है पर माता पिता का यह भी मनना है कि रिफ्यूज़ल बिना किसी कागज़ तो बिना किसी बायोमैट्रिक तो किस तरह आ सकती है उस देते भी किंतु परंतु जता रहे हैं हाँ जी तुम कि पिंड तो आए कि शहर तो आए हो कि ना आया मैं अमृतसर तो आया मेरा नाम सतकार सिंह है अच्छा तो मैं अपनी फाइल अक्तूबर च इन्हों तो जमा कराई पहलों इन्होंने कहा भी 4,80,000 के फाइल लगेगी वह भी तुम आफ्टर वीज़ा देने बाद इन्होंने कहा भी जो लोन है वो 1,50,000 रुपया जो देना पेगा जो 22,00,000 का लोन होगा वह भी इन्होंने दिखाया वा लोन पर कहें अं फोटो नहीं यदि खिंचन देनी भी लोन ताड़ा हो गया HDFC बैंक वालों अप्रूवड होया ही पता सू तो यह भी नहीं पता भी अप्रूवड होया कि नहीं जो इन्हों का फाइनैंसर ही वह भी नहीं उत्थे आया इन्होंने पैसे लए हूँ जो अं कॉल करते हैं तो कहें तो सू पैसे नहीं देते तो फाइनैंसर दते फाइनैंसर भी इन्हों ही है जो करमजीत सिंह है जो फाइनैंसर किन्ने पैसे दते थे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,50,000 ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ 16,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ 90 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਔਖੀਆਂ ਕੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਔਫਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਟ ਕੱਟੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ 1,66,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ 1,77,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ
ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6-7 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗ 4,80,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾਓ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲੋਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਗੇਟ ਦੇ ਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਉ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੋਏਗਾ 1,60,000 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 30,000 ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਫਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਫਿਸ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਫਿਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲੇ 1600 ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ